लोहे को शनि की सबसे प्रिय धातु माना जाता है। ऐसे में शनि की महादशा साढ़े साती और ढैया से परेशान लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें लोहे से जुड़े उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, इसके अलावा लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। शनि की महादशा में अगर बहुत कष्ट आ रहा है, कष्ट तो आता ही है, शनि की महादशा चतुर्थेश पंचमेश अगर शनि न हो तो शनि की दशा में तो कष्ट आता ही है, नवमेश दश में शनि न हो तब भी शनि की दशा में कष्ट आता है, शनि पाप स्थान में बैठा हो अपने भाव से छठे आठवें स्थान में बैठा हो तब भी शनि दुख देता ही है, क्योंकि महर्षि पाराशर कहते हैं सखी शनि दुख प्रद गयो राहुर ऐश्वर्यदायक, शनि देव दुखदाता ही हैं, ये बहुत कम लोगों के ऊपर कृपा करके शुभ फल देते हैं, नहीं तो ये दुख ही देते हैं। तो लोहे का त्रिशूल आप किसी शिवालय में या भैरव मंदिर में या महाकाली के मंदिर में अगर शनिवार को अर्पित करें तो विश्वास करिए बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ा से बड़ा आपके ऊपर अगर कोई ऊपरी बाधा है तो उससे भी निजात मिल जाएगी, बशर्ते त्रिशूल कम से कम डेढ़ हाथ लंबा होना चाहिए। शनि अशुभ फल दे रहा है तो हर शनिवार को सफेद मंदार के पौधे पर सात छोटी छोटी लोहे की कीलें चढ़ानी चाहिए। शनि की साढ़े साती के दौरान शनिवार को लोहे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शनि के कारण सेहत खराब चल रही हो तो चारपाई या लकड़ी के बेड के चारों पायों में लोहे की चार कील लगवा लेनी चाहिए। शनिवार को लोहे का चौकोट टुकड़ा नारियल जव और काले तिल कच्चा कोयला और काले चने एक काले कपड़े में बांधकर कहीं नदी के किनारे उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। शनि मंदिर में लोहे से बनी जरूरत की चीजें दान करने से शनि शुभ फल देते हैं। कुंडली में केतु और शनि के कारण धनहानि हो रही है तो घर की दहलीज में लोहे की दो कीलें भी लगवानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।